आज हम एक बाइक का ओनर रिव्यू करने लगे हैं। ये चाइनीज बाइक है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो ये इनकी बाइक है स्काईलाइन 250 सीसी। तो इस बाइक के बारे में इनसे कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे कि ये बाइक कैसा है एंड इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट। बेसिकली जब मैं ले रहा था तो मेरे पास ऑप्शंस ये थी कि एक बिगिनर बाइक चाहिए था बिकॉज मैंने पहले चलाया नहीं था। तो फिर उस तरह अब 600 सीसी वो बड़े इंजन हो जाते हैं। तो फिर मैंने विज़िट किया शेल्बी मोटर स्पोर्ट्स का इधर शोरूम, तो उसमें मुझे काफ़ी वैरायटी मिली इन बाइक्स में, इंजन में 200, 250, 350, इवन 400 भी है अब अवेलेबल। तो उस चक्कर में मैंने फिर देखा कि क्योंकि मैं पहले इतनी चलाई नहीं हुई थी बाइक, तो बिगिनर लेवल की मुझे चाहिए थी, तो उसमें मुझे ये सही लगी और प्राइस टैग भी इसका सही है काफ़ी, तो इसी वजह से मैंने इसको कंसिडर किया। अच्छा, इसका इंजन जो है 250 सीसी है, सिंगल सिलेंडर है और 250 सीसी है। तो हॉर्स पावर इसकी आई थिंक सो तकरीबन 28 तो है, 26 भी है कहते हैं लोग, 30 भी कहते हैं, पर 28 इज़ द यू नो मिनिमम थिंग। ये तो है, इतनी डिलीवर करता है और स्पीड भी अच्छी है काफ़ी। अच्छा, चाइनीज़ बाइक्स में ये मैंने भी सुना है काफ़ी और सुनने में आता है कि इनका जो पेंट होता है ये जब धूप में बाइक ज़्यादा रहती है तो फेंट हो जाता है, एक साल में फेंट हो जाता है या कुछ अरसा लगता है फेंट हो जाता है। तो अभी तक आपने, एक साल हो गया इस बाइक को, तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि नहीं हुआ? फेंट मतलब एज सच बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप चेक करें ना, ये मतलब थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर है, ये है और ये। स्पीडोमीटर की तरफ आएँ तो इसके बारे में आप बताइए। मेरे पास 3 गेजेस हैं, एक ये बैटरी वाली गेज है, ये है फ्यूल वाली गेज है और ये इसका RPM है और ये डिजिटल मीटर है। इसमें बेसिकली यहाँ पे हमें ये, आपको मैं ऑन करके अगर चेक कराऊँ तो यहाँ पे हमें मिलता है माइलेज, यहाँ पे स्पीड है और यहाँ ऊपर गियर लिखा आता है और ये लाइट है न्यूट्रल की और ये आपकी पार्किंग लाइट्स या वो जब ऑन होंगी तो वो इधर डिस्प्ले करता है। इग्निशन स्विच है, हाई बीम लो बीम है और ये पास वाली बीम है और इंडिकेटर्स उधर हैं और बिल्कुल सिंपल ही है। इसकी हेडलाइट जो है ये मैंने बाद में लगवाई हुई है। इसमें जो ओरिजिनल आता है वो हेलोजन बल्ब आता है येलो कलर का, इसमें मैंने अभी लगवाई हुई है C6, तो वो मैंने सिर्फ ब्राइटनेस अपनी बढ़ाने के लिए उस जगह से लगवाई है। बाकी उसकी दूसरी लाइट भी सही थी पर मुझे ज़रा ब्लू लाइट का शौक है तो मैंने इस जगह से ये लगवाया इसमें। अच्छा, फ्यूल टैंक इसका है हमारे पास 16 लीटर का है, सही है, ठीक है। और माइलेज इसकी आपको तकरीबन 15 to 18 है अगर आप आराम से चलाएं, अगर आप खींच के चलाएंगे तो 13 to 16 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। इंजन ऑयल इसमें डरता है 1.75 लीटर और मैं इसमें अभी यूज़ कर रहा हूँ जेक 1040W, पर बेहतर आपके लिए ये है कि आप इसमें लिक्विड मॉली डलवाएं क्योंकि मैंने भी काफ़ी सुना है, इस दफ़ा मैंने भी वही डलवाना है तो वो आप चेक करें। उसमें 1040 होता है और 1080 होता है। 1080 बेसिकली ज़रा वो गाड़ियों के लिए आता है, थोड़ा क्रूड होता है, और 1040 जो है वो बाइक्स के लिए सही रहता है। तो आप अगर एक दफ़ा 1040 डलवा रहे हैं तो ट्राई करें अगली दफ़ा भी वही डलाएं क्योंकि ऑयल चेंज नहीं करना चाहिए, सेम ऑयल पे। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि चाइनीज़ बाइक्स की जो मेंटेनेंस होती है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होती है और मेंटेनेंस कितने अरसे बाद करवानी होती है, तो कितना खर्चा आता है जब ये बाइक आप रखते हो तो? इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस पर टोटल मेरा खर्चा है ना वो ऑयल चेंज का है, मतलब 1500 किलोमीटर बाद मैं ऑयल चेंज कराता हूँ। वॉश वगैरह वो तो खर्चे में काउंट नहीं होता ना, वो तो आपने कराना ही है। बाकी उसके अलावा खर्चा एज सच कोई नहीं निकला मेरे, छोटे मोटे ये LED ख़राब हो गई, कभी वो होता था वॉश से पानी चला गया, लाइट ख़राब हो गई वो सही करा ली, और उसके बाद मेरे एक्सीडेंट्स हुए थे तो वो काम था। बाकी इसमें एज सच खर्चा कोई नहीं है इतना, मतलब आपके, आप देखें एक साल हो गया मुझे और मैंने इस पर 5000 से ऊपर नहीं लगाया होगा। मैं रेयर टायर में इन्होंने सिंगल डिस्क दी हुई है और इसके अलावा जो टायर का साइज़ है वो 150 mm है, यहाँ पे डबल डिस्क है, डुअल डिस्क है। और इसका साइज कितना है टायर का? 110 फ्रंट वाले का हमारे पास है 110/70, ठीक है, 110/70। 17 का इसमें रिम है। हाँ जी, एग्जॉस्ट जो है इसके काफ़ी अच्छे हैं और ये इसमें पहले से आए हैं, मैंने इसमें नहीं लगवाया। आफ्टर मार्केट मैंने एक टेल लाइट लगवाई हुई है
ठीक है। और उसके बाद मैंने ये फ्रंट साइड पे इसमें ये लाइट्स लगवाई हैं, वो मैंने आपको पहले बता दी है, उसके अलावा बाकी सारा ये जेन्युइन है। ठीक है। अच्छा, इस बाइक का हम साउंड चेक करते हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ बाइक्स होती हैं तो उनमें लोगों का ये इशू होता है कि चाइनीज़ बाइक्स लाउड नहीं होती, साउंड उनका नहीं होता, तो इस बाइक का स्ट्रोक एग्जॉस्ट की साउंड हम ज़रूर चेक करते हैं अभी। चाइनीज़ बाइक्स जब लोग लेने लगते हैं तो झिझकते हैं, तो वो बाइक्स नहीं लेते, और आप मुझे बताइए कि बाइक्स लेनी क्यों चाहिए चाइनीज़ बाइक्स। मैं इस पे कुछ कहूँगा नहीं, अगर आपकी रेंज है, आपको चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली आप ब्रांड की बाइक लें, पर इसमें ये है आपके, अगर आपने मज़े लेने हैं हैवी बाइक के और पैसे आपके थोड़े लिमिटेड हैं, तो ये बाइक आपने अभी रिव्यू सारा देख ही लिया, ये बाइक काफ़ी अच्छी है, मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल ब्रांड वाली चीज़ है, पर आप देखें आपकी सारी बाइक्स असेंबल चाइना में हो रही हैं, डिज़ाइन इटली में हो रही है, कोई जापान में हो रही है, बन सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में है। अब ये क्या है, अब ये बन डिज़ाइन भी चाइना में हो रही है, मैन्युफैक्चर भी उधर हो रही है, तो बस ये कि मेड इन चाइना वाला एक ठप्पा है, उससे डरते हैं सारे, पर बाइक इज़ गुड ओवरऑल, स्पीड भी अच्छी है, और टॉप स्पीड के बारे में आपको बताना था, तो टॉप स्पीड इसकी तकरीबन 140-138 तक मैंने अभी टच की है, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको ऑल्टर वगैरह करा के करें तो ये मज़ीद 150 तक इट कैन गो आई थिंक। ठीक है। और आपने जैसे शुरू में मुझे बताया कि ये बाइक आपसे क्रैश हुआ था, ठीक है, तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो यहाँ पे अवेलेबल हैं पाकिस्तान में कि इम्पोर्ट करवाने पड़ते हैं? इस पर क्वालिटी का मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैं गिरा था 120 की स्पीड पर, और ये आप बेशक चेक कर लें, इसकी फेयरिंग्स वगैरह आगे से आप चेक करें, तो फेयरिंग्स वगैरह काफ़ी मजबूत हैं, ये साइड बिल्कुल मेरी बची थी, ठीक है, और इस साइड से अगर आप कैमरा को लाएँ तो ये साइड हुआ था, इस पर क्रैक्स आए थे बस, तो ये मैंने सिर्फ वेल्डिंग कराई थी अंदर की साइड से, बाकी एज सच इंजन मेरा प्रोटेक्टेड रहा है, और थोड़ा सा इधर आया था, तो ये मैंने स्पेकरिंग कराई है इस पर। स्पेयर पार्ट्स इसके आपको सस्ते मिल जाते हैं अगर आपके डीलर्स अच्छे हैं। इंडिकेटर ही मैंने पिछला एक चेंज कराया था, ये LED वाला है, और ये मुझे 400 में एक मिला था लेफ्ट साइड का से। अच्छा, इसकी प्राइस जो लास्ट ईयर थी इट वॉज 265, अब ये बाइक क्योंकि डॉलर की वेरिएशन काफ़ी हुई है तो आपको ये मिलेगी 315 की, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इस पर आते हैं 15,000 के, तो 330 की आपको ये पड़ेगी अब बाइक। ठीक है। अगर चाइनीज़ बाइक्स के जो डीलर्स हैं कोई आप रिकमेंड करें कि इधर मैं आपको रिकमेंड करूँगा मज़र भाई हैं शेल्बी मोटर स्पोर्ट्स पे, काफ़ी अच्छे बंदे हैं, उनसे आप करें रब्ता, और बाकी एक सिग्मा वाले हैं वो सही हैं, सुना है अच्छे हैं, पर गया नहीं हूँ मैं। अच्छा, इन दोनों डीलर्स के मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा अगर आपने रब्ता करना हुआ तो। थैंक यू अब्दुल रहमान भाई, बहुत मज़ा आया आपकी बाइक देख के, आपका रिव्यू करके। थैंक यू।